इनको व्यवस्थित तरीके से इसमें रख दिया। अभी तक जो तत्वों के इसमें कर लिया अपने 116 तत्वों के, अभी तक अपन इनका वर्गीकरण करते हैं और इसकी जो आवर्त सारणी थी उसमें 116 तत्वों को व्यवस्थित इसने कर दिया। 116 118 तक भी जाते हैं कुछ लोग जिनको अभी तक हो जा गया है। बाकी अपन अगले वीडियो में इसको और आगे जो मुद्दे की इसकी कमियां और उसके आगे बारे में कैसे जैसे किया जाता है, इसको आगे कैसे उसमें ब्लॉकों में एच ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक में बांटा गया है उनका अध्ययन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर्त सारणी की अगली क्लास यानी आवर्त सारणी का अगला पार्ट जिसमें कल अपन ने अध्ययन किया था कि आवर्त सारणी को कैसे व्यवस्थित किया गया है, जिसमें अपन ने दो मेन आधार लिए थे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। परमाणु भार के आधार पर यदि आप रिपीट करना चाहो तो परमाणु भार के आधार पर चार वैज्ञानिक थे, डोबेराइनर था, न्यूलैंड था, लूथर मेयर था और मेंडलिक था, जिसने जिनका आधार क्या था परमाणु था। इस परमाणु के आधार पर डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, लूथर मेयर ने कौन सा दिया था वक्र दिया था, मेंडलिक ने आवर्त सारणी दी थी अलग अलग। उसके बाद में अपने दिया कि मेंडलिक की आवर्त सारणी में कुछ कमियां थी, उनको पूर्ण करने के लिए उसने हेनरी मोजले ने 1913 के अंदर आधुनिक आवर्त सारणी जिसको अपन कहते हैं जो उसको अपन अभी पढ़ते हैं वो दिया था और उसका आधार दिया था परमाणु क्रमांक, यानी तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती घन होते हैं। अब उसके कुछ पॉइंट्स थे जिसको इसके पॉइंट्स को उसने क्लियर किया था कि ये इसकी कमियां थी इनको दूर किया जाए, जिसने सबसे पहले वर्गों में उपवर्गों को वर्गों में विभाजित कर दिया था। इसके बाद में इसने क्या कर दिया था इनके जो परमाणु हाइड्रोजन समस्थानिक थे उनको समस्थानिकों को भी एक जगह रख दिया था जिसमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी क्योंकि परमाणु क्रमांक के आधार पर। अब एक दो कमी की और बात करते हैं तो परमाणु भार के आधार पर जो इसकी सबसे बड़ी कमी थी ऑर्गन पोटेशियम वाली, वो भी यहाँ पर क्या होगी शोर होगी क्योंकि ऑर्गन पहले आते हैं और पोटेशियम बाद में, क्योंकि ऑर्गन 18 पे और पोटेशियम 19 पे, परमाणु भार में वो दिक्कत आ रही थी। यहाँ पर ये तीनों स्टेजेस हो गए, कौन कौन सी हो गई ऑर्गन पोटेशियम वाला सोल हो गया। इसके बाद की बात करते हैं आगे वाला बात करते हैं तो कोबाल्ट निकल भी क्योंकि कोबाल्ट पहले 27 पे भी निकल 28 पे, इसके बाद टेलोजन और आयोडीन टेलोजन 52 पे और आयोडीन कितने पे 53 पे, वो भी सोल। यहाँ से हेनरी की जो सारणी थी जिसको इसने व्यवस्थित कर दिया था। अब उसमें यदि अपन आगे अध्ययन करना चाहे दो तीन कमियां उसमें भी रह गई थी जिनको आज भी अपन इग्नोर करते हैं या देखते हैं कि ये तीनों कमियां हैं, जिसमें एक मेन कमी ये थी कि हाइड्रोजन की स्थिति को ये भी क्लियर नहीं कर पाया था। हेनरी मोजले भी हाइड्रोजन को एक सही जगह नहीं दे पाया था, क्यों, क्योंकि ये क्षार धातु से भी उसने समानता रखी और हेलोजन से भी इसने समानता रखी। इसके बाद में एक था लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, वो भी आवर्त सारणी के अंदर इसको जगह नहीं दे पाया। और तीसरा था कुछ तत्वों में जिनको गुण समान थे लेकिन उनको अलग अलग रखा गया, जैसे वो गोल्ड और प्लेटिनम या फिर एक बेरियम और टिन इनके बारे में। अब अपन बात करते हैं तो आवर्त सारणी में जो अपना अलग अलग डोमेन लेते हैं कि इनको आवर्त सारणी जब इसने 7 आवर्त और 18 वर्ग बना दिए तो उनमें कैसे व्यवस्थित किया गया, तो इन्होंने क्या किया इनको जब व्यवस्थित करने गया तो सबसे पहले एक धारणा आई कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देने के लिए अपने को जरूरत पड़ी मुख्य क्वांटम संख्या, इसकी मुख्य क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या चार प्रकार की होती है, जो मुख्य क्वांटम संख्या दीपन्सी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, जिनको एन एल एम एस से अंदर सकते हैं एन एल एम और एस, मुख्य क्वांटम संख्या, दीपन्सी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। इसके आधार पर अपन ने इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाते हैं।
लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की स्थिति का मैं सबसे पहले लगाना चाहिए तो मुख्य क्वांटम संख्या लगा सकते हैं जिसमें अपने वर्ग का पता चलते हैं। अब किसका पता चलता है? वर्ग का। और वर्ग के अंदर क्या होते हैं? उपवर्ग, या आप इसको कोष बोलो तो उसको क्या बोल सकते हैं? उपकोष। क्या बोल सकते हैं? उपकोष। प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक कोष में, प्रत्येक कोष में क्या होते हैं? उपकोष। क्या होते हैं? उपकोष, जिससे अपने को इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता चलता है। और इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता चलता है तो इसके आधार पर अपना आवर्त सारणी को वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे? उपकोष होते हैं चार, एस पी डी और एस पी डी और इनके आधार पर इसको वर्गीकृत किया कि ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इनके आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। ये तत्वों के अलग अलग चार प्रकार के अपने पास में क्या आ गए? उपकोष। क्या बोलते हैं इसको? उपकोष। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, कोष और उपकोष में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोष की बात करते हैं तो बोला मुख्य क्वांटम संख्या एन होती है। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? एन। जिसका मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो सकता है। अब प्रत्येक जो कोष होता है वो उसमें क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। उपकोष कौन कौन से होते हैं? एस पी डी और एफ। चार उपकोष होते हैं। कहते हो गए चार उपकोष हो गए, एस पी डी और एफ। इसी के आधार पर आपने आवर्त सारणी को वर्गीकृत कर दिया। किसको? आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी को वर्गीकृत करने का आधार क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन से में भरा जाएगा उसी के आधार पर हमने स्थित कर दिया। और कितने में कर दिया? चार में कर दिया। ये एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक और चौथा एफ ब्लॉक। ये कितने में कर दिया? चार ब्लॉकों में इनको विभाजित कर दिया। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, कि कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व कहां पर आएगा और कौन सा इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा उसके आधार। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तो करते हैं एस ब्लॉक की। किसकी? एस ब्लॉक। अब देखो एस ब्लॉक, यदि अपन परिभाषा बोले कि एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आएंगे, एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आएंगे, तो सबसे पहले ये बनती है कि एस ब्लॉक में वे तत्व आएंगे जिनमें जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कोष में जाता, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एनएस कक्षक में उपकोष में जाता है वो सारे के सारे एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। कैसे? कैसे की बात करते हैं तो अपन जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, आपको छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊं। यहाँ पर जैसे आप किसकी बात करते हो? लिथियम की बात करते हो, इलेक्ट्रॉन विन्यास रखते हो, लिखते हो कि ये तीन नंबर पे आता है 1s2 2s1, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है लिथियम में? तीन, यानी एक दो और तीसरा इलेक्ट्रॉन किसमें गया? एस में, यानी ये कौन से ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का तत्व है। यानी लिथियम कौन से ब्लॉक का हुआ? एस ब्लॉक का तत्व। यानी यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाए? एन एस। किसमें? एन एस उपकोष में जाए, तो वो सारे के सारे तत्व क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इनकी बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एस ब्लॉक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एस ब्लॉक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS1 से 2, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इनको NS1 व NS2। यानी क्यों? क्योंकि S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? दो। यानी NS1 हो सकता है या NS2 हो सकता है। तो ये सारे के सारे तत्व जिनमें ये लास्ट इलेक्ट्रॉन इस S में या इस S में, इन दोनों में से जिसमें भी जाएगा सारे के सारे हो जाएंगे एस ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। एस ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास NS1 से 2 होता है। नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो NS कक्षक में जाता है, इसलिए इसको एस ब्लॉक तत्व
है, ये इसका एक सामान्य सा छोटा सा एक आधार हो गया जिसके आधार पर बोल सकते हैं कि ये तत्व एस ग्रुप में आएंगे सारे के सारे। अब इनको बोले तो इनमें ज्यादातर इनकी ऑक्सीकरण अवस्था या फिर बोलने का बोले तो बोला जो NS1 वाले होते हैं इनको क्षार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार। जबकि NS1 जबकि जो NS2 वाले हैं उनको क्षारीय मर्दा धातु। कौन से वाले को? NS इनको क्षार इनको क्षारीय मर्दा धातु में वर्गीकृत किया गया है, यानी NS1 वालों को सबको क्षार धातु बोलेंगे, NS2 वालों को क्षारीय मर्दा धातु बोलेंगे, जिसके आधार पर इसको वर्गीकृत अपन कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, इनके बाद इसमें एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके आधार पर अपने इसको वर्गीकृत कर दिया। दोनों में एस में है, ये कौन से तत्व कहलाएंगे? एस ग्रुप के तत्व कहलाएंगे, क्षार और क्षारीय मर्दा धातु। अब क्या होता है इनके अंदर लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन, उसमें दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं और आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग के उत्कृष्ट केशों के समान जल के विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ से ये ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं तो क्षार धातु में प्लस एक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है और क्षारीय मर्दा धातु कितनी दर्शाती है? प्लस दो ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इसलिए इसकी आयनन एंथैल्पी का मान भी बहुत है, कम है। अब बोला आयनन एंथैल्पी, अपन इसी टॉपिक में आ गए और सारे के अपने वो दो पार्ट पढ़ने थे। एक पार्ट था इसका बेसिक यानी व्यवस्थित कैसे कैसे इनको वर्गीकृत किया गया था और कौन कौन से इसको ग्रुप में बांट के इनको सारणी बनाई गई है। दूसरा है इनके गुणों का अध्ययन, और सारणी के गुणों का अध्ययन। तो और सारणी के अपन गुणों की बात करेंगे तो चार गुणों का मेन पॉइंट की आयनन एंथैल्पी, आयनन इलेक्ट्रॉन लब्धि, इलेक्ट्रॉन लब्धि, तीसरा परमाणु की त्रिज्या और चौथी विद्युत घनत्व। इन चारों का अपन इसके आगे अध्ययन करेंगे। तो आयनन एंथैल्पी होती है किसी गैसीय परमाणु के संयोजकता कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किसी गैसीय परमाणु के संयोजकता कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, कितना? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है, थोड़ी सी ऊर्जा देंगे और आसानी से निकल जाएगा। जैसे किसी कमरे के अंदर बैठे हैं, क्लास ले रहे हैं, पीछे पीछे वाला लड़का है वो वहां से आसानी से निकल सकता है, लेकिन थोड़ी सी उसको टीचर का ध्यान भंग हुआ नहीं और वो वहां से बाहर निकल, यानी इसके अंदर आयनन ऊर्जा की बहुत कम जरूरत पड़ती है। ऐसे ही क्षारीय मर्दा धातु में दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, उसके बाद में उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसा हो जाता है? उत्कृष्ट गैसों के समान हो जाता है, जिनके जिनसे आगे अपन इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल सकते। तो इसकी बात करते हैं, तो अब इसके बाद में आता है, इसके बाद में आता है पी ब्लॉक। कौन से होते हैं? पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉकों की अपन बात करें तो जैसे अपन ने एस की परिभाषा बोली, जैसे अपन ने एस ब्लॉक तत्वों की परिभाषा बोली, वैसे ही अपन पी ब्लॉक की परिभाषा बोल सकते हैं कि वे तत्व, कौन से तत्व? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता है, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से में जाता है? पी ब्लॉक में जाता है, वो सारे के सारे तत्व क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। अब इसी के आधार पर अपन करना चाहिए तो देखो पी ब्लॉक, अब देखो देखो पी ब्लॉक के बारे में देखें तो पहला पॉइंट देखें तो इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? पी ब्लॉक में, यानी एन पी, यानी एन पी, यानी क्या हो गया? इधर एस ब्लॉक में एन एस में जाता था, पी ब्लॉक में क्या जाएगा? एन पी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला दूसरा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है एन एस टू एन पी वन से सिक्स, एन एस टू एन पी वन से सिक्स। थर्ड बात करें तो इनके लिए बोल सकते हैं कि जिसने आवेश आने दी थी तो ये आए थे, इनकी पांचवी बात करूं तो वर्ग
एक व वर्ग दो में, वर्ग एक में वर्ग दो में, जबकि पी ब्लॉक तत्वों की बात करें तो यहां अपन इसको वर्ग 13 से लेकर 18, वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्व क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक कहलाते हैं। अब जैसे ये क्षार धातु है, क्षार मर्दा धातु है, अलग दोनों वर्गों का अलग अलग नाम है, वैसे इनकी बात करें तो इनको बात करते हैं तो ये टोटल 6 है। कितने हैं, टोटल 6 वर्ग है। इन 6 वर्गों की बात करें तो 18वां वर्ग है, इसको अपन बोलते हैं नोबल गैस है या फिर एक्रिय गैस है, बोल सकते हैं नोबल गैस है या एक्रिय गैस है या उत्कृष्ट गैस है, कौन से हो गए, नोबल गैस, नोबल ग्रुप हो गए। दूसरे की बात करते हैं 17वें की, उनको क्या बोलते हैं, हैलोजन, क्या बोलते हैं, हैलोजन। 16वें की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं चालकोजन। 15वें की बात करते हैं तो नाइट्रोजन फैमिली हो गई। 14वें की बात करते हैं तो कार्बन फैमिली, और 13वें की बात करते हैं तो बोरोन फैमिली। ये इनके आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है 13 से लेकर 18 तक के वर्गों को, जिनमें आप क्या बोल सकते हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, पी ब्लॉक में, किसमें, पी में, इसलिए इनको क्या कहलाएंगे, ग्लूकोज में जाएगा तो पी ब्लॉक तत्व कहलाएंगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन गैस की बात करते हैं, NH2NP1 से 6। आप किसी का भी एग्जांपल लेके दे सकते हो, जैसे अपन यहाँ पर लिथियम का लिया था, वैसे अपन यहाँ पर आप ले लो कार्बन का, ले लो किसका, कार्बन का, कार्बन का लेते हैं तो ये हो गया 1s2 2s2 2p, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, पी में, यानी कार्बन किसमें आएगा, पी ब्लॉक तत्व में आएगा, किसमें आएगा, पी ब्लॉक में। आप इससे आगे भी कोई सी भी एग्जांपल लेके जो भी आपको सूटेबल लगे उनके अनुसार आप कर सकते हो, तो ये कौन से हो गया, पी ब्लॉक। इसके आगे बात करें तो बन जाता है डी ब्लॉक, कौन होता है, डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक की बात करें तो वे तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन N-1 डी उपकोष में जाता है, N-1 डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाता है, वो सारे के सारे तत्व डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। N-1 डी क्या लिखा है, N-1 डी, यानी जो कोष होगा, जो मुख्य कोष होगा उससे एक कम वाले कोष में जाए। जैसे अपन एग्जांपल लेंगे स्टेडियम टाइटेनियम का एग्जांपल लेंगे तो अपने को और अच्छा समझ में आ जाएगा कि N-1 का हमें क्यों लिया गया है, बाकी इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी में। अपना मेन आधार क्या है, एस ब्लॉक, एस इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक, पी में इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक, डी में इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाए, डी में। आप हमेशा यही करना, जैसे मुझे 10 नंबर भरना है, 15 नंबर भरना है, 16 नंबर भरना है, किसी का भी ज्ञात करना है, बोला जैसे 15 नंबर वाला, 15 नंबर वाला है तो कौन से ब्लॉक में आएगा, एस पी डी एफ, कौन से ब्लॉक में आएगा, यहाँ की बात करते हैं 15 नंबर वाले तत्व के, तो अपन क्या करेंगे, सीधा सा इलेक्ट्रॉन व्यास लिखूंगा, लास्ट वाला 15वां इलेक्ट्रॉन देखना है, 14 तक कोई मतलब नहीं है, 15वां इलेक्ट्रॉन देखना है, 15वां एस में जाता है तो एस हो गया, पी में जाता है, पी में, डी में, डी में, और एफ में, एफ में, यानी 15 किस में जाएगा, पी ब्लॉक में जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक तत्व कहेंगे। नंबर पे कौन आता है, ठीक है। अब ये किसमें हो गया, N-1 और यदि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, यदि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हो तो ये होता है N-1 D1 से 10 NS। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होता है, डी ब्लॉक तत्वों का, N-1 D1 से 10 NS2, यानी पहले NS में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके बाद डी जो पीछे वाला डी कक्षा का डी कोष है वो बनना शुरू होगा, और उस डी के अंदर क्या हो जाएगा, 1 से 10 तक के इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 से 10 तक के इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो उनको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक तत्व। तीसरा, इनके नाम की बात करते हैं, इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन्हें कहते हैं संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक तत्वों का क्या नाम है, संक्रमण तत्व। ये क्षार और क्षार ये मर्दा धातु है, इन डी ब्लॉक तत्वों क्या होते हैं, संक्रमण तत्व, और ये संक्रमण तत्व होते हैं। बोलते संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व वे होते हैं जिनकी सामान्य या आयनिक ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण हो, सामान्य या आयनिक ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य या
आयनिक ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक जिनमें अपूर्ण होता है वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो इनमें तीन तत्व आते हैं डी ब्लॉक तत्व में, जो डी ब्लॉक में तो जाते हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं कहलाते, क्योंकि उनकी आयनिक या फिर आप जो दूसरी सामान्य ऑक्सीकरण है दोनों में ही डी कक्षक पूर्ण होता है, दोनों में ही डी कक्षक क्या होता है पूर्ण होता है। तो अपवाद के तौर पर देखें तो जिंक, कैडमियम और ये संक्रमण तत्व निकलता है, हालांकि ये डी ब्लॉक तत्व है, क्या है डी ब्लॉक तत्व है लेकिन इनको संक्रमण तत्व नहीं कहते। कारण क्या है, इनकी सामान्य या आयनिक दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाओं में इनका डी ब्लॉक पूर्ण रूप से डिटेन होता है, पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है, इसके कारण अपन इसको नहीं बोल सकते। बाकी हम क्या बोलते हैं डी ब्लॉक तत्व तो बोलते हैं, यानी आप ये बोल सकते हो कि सारे के सारे डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते, मैंने सारे के सारे डी ब्लॉक तत्व क्या नहीं कहलाते संक्रमण तत्व, क्योंकि अपवाद कौन से हैं जेड एन सी डी और एच जी, ये तीन तत्व हैं जो क्या हो सकते हैं संक्रमण तत्व नहीं कहलाते लेकिन डी ब्लॉक में आते हैं, यानी डी ब्लॉक के आप वर्गीकृत करो तो संक्रमण तत्व और इन तीन को अलग रह सकते हो। मैं इसके बाद में जब आगे बात करते हैं तो कौन सा होता है ए ब्लॉक, कौन सा होता है ए ब्लॉक, और ए ब्लॉक की हम बात करें तो सबसे पहले बात करें तो n माइनस टू एस वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन f कक्षक में जाता है, f कोश में जाता है, क्या कहलाते हैं ए ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, और ये रहता है n माइनस टू एन माइनस टू एफ। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो एन माइनस टू एफ जीरो से 14, एन माइनस वन बी जीरो से 2 या 1 और एन एस एक चीज और बोल सकते हो आप,
क्षार धातुओं की क्या होती है, क्षार सॉरी एस ब्लॉक वाले धातुएं होती है, डी ब्लॉक वाले धातुएं होती है, एफ ब्लॉक वाले भी क्या होती है धातुएं होती है। आप देख सकते हैं धातु डी ब्लॉक धातु, ए ब्लॉक धातु, जबकि पी ब्लॉक धातु में भी होती है, ए धातु में भी होती है और उपधातु में भी। पी ब्लॉक के अंदर धातु में भी आती है, ए धातु में भी आती है और उपधातु में भी, यानी कौन कौन सी धातुएं, ए धातुएं और उपधातु सारी की सारी इसमें आती है। तो इस आधार पर अपन ने इसको क्या कर दिया, एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक और ए ब्लॉक इन चारों में अपन ने इनको विभाजित कर दिया, जिसके आधार पर अपन आसानी से इनको समझा सकते हैं और आपके लिए भी और आसान हो जाएगा। इन चारों को यदि एक साथ रखोगे तो ये इसके मेजर मेजर जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये था अपना आवर्त सारणी को वर्गीकृत करने का इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर जो तरीका आपने देखा, जिसके आधार पर अपन ने इसको वर्गीकृत कर दिया। और जहां तक मुझे लगता है कि ये आपको याद भी हो गया होगा, जिसको आप एक बार भी दोबारा रिवीजन कर लिया तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, उसको दोबारा ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अब अपन इसके बाद आगे की बात करते हैं, तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि इसके गुण कौन कौन से, क्या होते हैं